जी नाजरीन, इस वक्त फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। फैसला इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चाह रही थी उसी तरह से फैसला आया। इसी वजह से आप इस वक्त देख रहे हैं कि वकला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम उनके झंडे यहाँ पर लहरा रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। भरपूर नारेबाजी भी यहाँ पर की जा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद कर दिया गया है और तारीख दे दी गई है 14 मई 2023 को हर सूरत इलेक्शन करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तारीख जारी कर दी है। इसी हवाले से नाज़रीन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वकला मौजूद हैं जो इस वक्त प्रोटेस्ट अपना जो इस वक्त यहाँ पर खुशी का इजहार कर रहे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नारेबाजी की जा रही है। नाज़रीन ये मनाजिर है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर के आपको मनाजिर दिखा रहे हैं, जबकि यहीं पर पीडीएम के वकला भी मौजूद हैं, वो भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। वो आपको इस साइड पर नजर आ रहे होंगे, ये पीडीएम के वकला वहां पर मौजूद हैं, वो भी आज यहां पर प्रोटेस्ट करने आए थे, खसूसन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट आज प्रोटेस्ट करने आए थे। लेकिन ये इस वक्त खुशी आप इनके चेहरे से इस वक्त देख रहे होंगे कि किस तरह से वकला खुश हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह के बाद, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल के साथ इस वक्त खड़े हैं और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के साथ इस वक्त ये लोग खड़े हैं। कल भी इन्होंने प्ले कार्ड उठा रखे थे कि वी स्टैंड विद कॉन्स्टिट्यूशन, और आज एक मरतबा फिर से बड़ी खुशी का इजहार इनकी जानिब से किया जा रहा है। और ये इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह से नारेबाजी की जा रही है वकला की जानिब से। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी वकला इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जो इस वक्त भरपूर यहाँ पर नारेबाजी का मुजाहिरा कर रहे हैं, जबकि अगर दूसरी जानिब देखें तो यहाँ पर पीडीएम के वकला भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये प्ले कार्ड भी आप इनके देख सकते हैं कि अकलियती बेंच का फैसला नामंजूर। ये हैं पीडीएम के हामी वकला और ये भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रहे हैं। लेकिन इनके बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं कि पीटीआई के वकला किस तरह से खुशी का इजहार कर रहे हैं। गलबन नाज़रीन ये तारीख में शायद ही ऐसा कभी देखने को मिला हो कि अक्सर सुना जाता है कि वकला में यूनिटी पाई जाती है, लेकिन अब इस फैसले के बाद वकला जो है आपको दो धड़ों में तकसीम नजर आते हैं। एक वो हैं जो इस वक्त इस बेंच के अकलीती बेंच के फैसला नामंजूर के प्ले कार्ड उठा रखे हैं और प्रोटेस्ट अपने रिकॉर्ड करवा रहे हैं, दूसरी जानिब आपको यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हामी वकला हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं किस तरह से खुशी का इजहार यहाँ पर भरपूर तरीके से खुशी का इजहार किया जा रहा है उनकी जानिब से। ये नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर के इस वक्त मनाजिर हैं, उस वक्त आपको दिखा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से डिसीजन आ चुका है और डिसीजन में वाज़ह तौर पर इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद किया गया है और कहा गया है कि 14 मई तक हर सूरत पाकिस्तान में इलेक्शन हो, पाकिस्तान के 2 सूबों में इलेक्शन करवाए जाएँ, जबकि सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाए। जो एक बार बार कहा जा रहा था कि सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा सकती, तो अब अहकाम जारी किए गए हैं कि सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाए और फंड्स भी जारी किए जाएँ इलेक्शन के लिए। तो ये इस वक्त नाज़रीन आपको मनाजिर दिखा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर की, जिस तरह से वकला बड़ी खुशी का इजहार यहाँ पर कर रहे हैं।